निजाम फैमिली आसिफ के दौर में उन्होंने हैदराबाद को और तेलंगाना को और दखन को किस तरह डेवलप किया हम सब जानते हैं कि आज़ादी से पहले 560 राजा महाराजे भी थे, लेकिन जो दखन के नवाब साहब मीर उस्मान अली खान साहब और महमूद अली खान साहब उनसे पहले के लोग कि अपना ओन रेल पूरा दक्षिण के अंदर रेल उसके साथ बेगमपेट एयरपोर्ट उसके साथ यहाँ करेंसी और ख़ास तौर पर एजुकेशन के अंदर उस्मानी यूनिवर्सिटी ये माजून सिटी कॉलेज निज़ाम कॉलेज लड़कियों के लिए वुमेंस कॉलेज ये ऐसे चीज़ें हैं कि सुनने के लिए आज़ादी से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि निज़ाम साहब को कि जो सोच थी रिवॉल्यूशन की सोच थी होती हमेशा के इनकलाब की सोच थी ये लड़कियां भी पढ़ना है हड्डियों का दवाखाना है और चेस्ट का दवाखाना है टीबी का दवाखाना है कैंसर का दवाखाना है हर मर्ज के इंसान के जिसम के हर हिस्से का एक दवाखाना बना ये वाहिद दुनिया के वाहिद नवाब साहब थे जिसने इतनी दूर से सोच के आया अब आज़ादी मिलकर हमको 70 साल हो गया हम वही ज़मीनों में से कुछ नया डेवलप कर रहे हैं लेकिन हम नए हॉस्पिटल्स नए कुछ भी नहीं बना सकते तो ऐसी बड़ी शख्सियत हमारे दुनिया से चले जाना ये दखन के साथ साथ ये इसके बाद भी आज भी मक्का जाने वालों के लिए जो गरीब है उनके लिए रुबात मदीना शरीफ में रुबात यानी वहाँ तक भी जाने वालों का उन्होंने ख्याल रखा था तो बहरहाल उनका जाना अफसोस है आज कांग्रेस पार्टी की जानब से श्री रेवंत रेड्डी जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने एक डेलीगेशन लेकर यहाँ आए इसमें तमाम कांग्रेस के सीनियर भी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी एक मैसेज है क्योंकि वो भी दखन के हैं बीदर और गुलबर्गा के उन्होंने भी मैसेज भेजा है वो थोड़ी देर में प्रेस को रिलीज करेंगे हम उन्होंने भी जाहिर किए कि हम सब निज़ाम के ज़माने के दखन में पले पड़ रहे हैं हमको हमारे एक भाषा को से हम महरूम हो ये उन्होंने भी मैसेज लेकर कहा है प्रेसिडेंट साहब को कि वो मैसेज मीडिया के जरिए उनके खानदान वालों को पहुँचा देंगे और पहुँचा देंगे अब रेवंत रेड्डी साहब इस बारे में बात करेंगे कांग्रेस में పాత హైదరాబాద్ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ నిజాం ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి ఈ రోజుకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం కళ్ళ కట్టినట్టు కనిపిస్తుంది చెప్పగలి గారు చెప్పినట్టు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కావచ్చు నిజాం కాలేజ్ కావచ్చు అలియాజ్ఞాన్ కాలేజ్ కావచ్చు వడ్డీలో ఉమెన్స్ కాలేజ్ కావచ్చు ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్
ఈ మోడీ మీద నిజాం నవాబ్ కొన్ని వందల సంవత్సరాలు పూర్వమైన కృషి చేసి హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఒక విశ్వ నగర హోదా తీసుకొచ్చారు. ఇలాంటి ఈరోజు మీ చార్మినార్ ఏరియా దగ్గర అన్ని రకాల వ్యాపారాలు కబూతర్ కానీ హర్ చేస్ హర్ తరీకే జో కారోబార్ కంపెనీ.